गणेश चतुर्थी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं लेकर आई हूँ कोकोनट जैगरी लड्डू की रेसिपी। ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है और ये बनी है सिर्फ चार चीजों से, और तो और बिना घी और बिना तेल के। तो चलिए फटाफट से रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लेना है एक नारियल, जिसको हमें साफ करके इसको ग्रेट कर लेना है। तो पूरा का पूरा एक नारियल का इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ पर आज। उसके बाद हमें एक कढ़ाई में इस नारियल को डाल देना है, और उसके बाद हमें इसमें डालना है गुड़। गुड़ की क्वांटिटी जो है मैंने यहाँ पर एक कप ली है, आप चाहे तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। तो पहले मैंने हाफ कप डाला और उसके बाद फिर से एक और हाफ कप डाला, और उसके बाद इन नारियल और गुड़ को जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है कि इसमें हम डालेंगे सेसमी सीड्स। तो मैंने यहाँ पर एक टेबल स्पून रोस्ट किया हुआ सेसमी सीड्स लिया है। इसको डालने से नारियल के लड्डू में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो ये डालना ना भूलें। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें हमें डालना है कार्डमम। कार्डमम मैंने यहाँ पर 5 लिया है, जिसको मैंने अच्छे से पाउडर कर लिया है, और पाउडर करने के बाद इसमें डाल देना है, और उसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बस इन चार चीज़ों से बनी है ये लड्डू। अब इसे हम क्या करेंगे ना कि इस मिक्सचर को हमें ठंडा करना है अच्छे से, और ठंडा हो जाने के बाद इसके लड्डू तैयार कर लेने हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने गोल आकार में इस लड्डू को बना लिया है। तो इसी तरीके से जितना भी मिक्सचर है हमें सारा लड्डू तैयार करके रख लेना है। ये लड्डू बनाना बहुत ही आसान है, जैसा कि अभी अभी आपने देखा। तो आप भी इस गणेश चतुर्थी पे इस लड्डू को ज़रूर ट्राई करें, और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कॉमेंट सेव शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।